तो यहाँ पे दे रखा है, देख लो, ए मैट्रिक्स लिया हमने, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिया है, और ये सब वही क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एक दूसरे का निगेटिव दिखाया है, देख लेना। ये हमारा पेज नंबर 54 है। अब आ जाओ पेज नंबर 55 में। नेक्स्ट जो हमारा क्या है वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। मैक्सिमम कितने डिफरेंट एंट्रीज ले सकते हो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, एन ऑर्डर होना चाहिए। वो किसके इक्वल मैंने लिखा है, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन। अब ये कैसे आया, इसको तुम ऐसे देखो, यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि अगर तुम्हें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, इसको तुम यहाँ भी ऐसे समझ लो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, तो इसको मान लो ये बी मैट्रिक्स को मुझे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, और मैं बोलूँ कि इसमें तुम्हें मैक्सिमम एलिमेंट यूज़ करना है, तो तुम कैसे यूज़ करोगे। सबसे पहले तो वन आ जाएगा ज़ीरो के लिए, ये ज़ीरो 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 के लिए वन आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि अगर मैंने, अब डायगनल के ऊपर के एलिमेंट बच गया, डायगनल के नीचे के एलिमेंट बच गया, तो अगर तुमने डायगनल के ऊपर के एलिमेंट को फिक्स किया तो डायगनल के नीचे के एलिमेंट खुद से फिक्स हो जाएंगे अगर वो स्क्यू है। तो डायगनल के ऊपर कितने एलिमेंट होंगे और डायगनल के नीचे कितने एलिमेंट होंगे, एन स्क्वायर माइनस एन। अगर थ्री ऑर्डर का है तो वन आ गया जीरो के लिए, और ये थ्री स्क्वायर माइनस थ्री, मतलब कि टोटल में से ना तुम डायगनल के एलिमेंट को हटा दो तो डायगनल के ऊपर और डायगनल के नीचे के एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है ना। बिकॉज अगर तुमने डायगनल के ऊपर के एलिमेंट को फिक्स किया तो नीचे के एलिमेंट खुद से फिक्स हो जाएंगे, नीचे को फिक्स किया तो ऊपर के फिक्स हो जाएंगे। तो ये किस लिए आया, ये डायगनल के ऊपर के एलिमेंट और डायगनल के नीचे के एलिमेंट के लिए आया, ठीक है ना। तो हम लोग मैक्सिमम कितने यूज़ कर सकते हैं एलिमेंट, अगर मैं 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स लूँ तो 3 स्क्वायर माइनस 3 फॉर एलिमेंट्स एबव द डायगनल एंड बिलो द डायगनल, और वन किस लिए आया, फॉर एलिमेंट ऑन द डायगनल, वो तो हमेशा जीरो आएगा। इस जीरो के लिए तो एक ही एलिमेंट आया ना, जीरो, और डायगनल के ऊपर के लिए और नीचे के लिए क्या हो गया, 3 स्क्वायर माइनस 3 बाई 2, ठीक है। तो अगर एन ऑर्डर का होता तो क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है, ये भी क्लियर होना चाहिए तुम लोगों को। तो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो गया। अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनो। इसमें क्या बोला जा रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी बताया जा रहा है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एन ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विल बी जीरो। अगर तुमने कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिया ऑड ऑर्डर का, ऑड ऑर्डर बोलने का मतलब क्या लिया, वन ऑर्डर का लिया, थ्री ऑर्डर का लिया, फाइव ऑर्डर का लिया, सेवन ऑर्डर का लिया, ऐसे ऑड ऑर्डर का अगर तुमने कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिया तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू हमेशा जीरो ही आएगा, इस बात की गारंटी है। कैसे, तो इसको तुम ऐसे समझ लो, मान लो कि जैसे मैंने ए एक मैट्रिक्स लिया, ए आई जे एन बाई एन ऑर्डर का एक लिया, और मैंने इसको क्या बोला कि ये जो ए मैट्रिक्स है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसे मैंने क्या बोल दिया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और एन जो इसका ऑर्डर है इसको मैंने बोल दिया कि ये 2m+1 है, वेयर एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तभी जाके ये जो n होगा वो क्या होगा, ऑड मिले, ऑड नंबर मिलेगा। अब तुम ऐसे देखो, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका कंडीशन क्या है, a इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, ये क्लियर है। अब अगर a और माइनस ए ट्रांसपोज ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका डिटरमिनेंट भी इक्वल होगा। एक बात और याद रखना, ये इसको इंप्लाई कर रहा है बट ये इसको इंप्लाई नहीं कर रहा है, इस बात को ध्यान में रखो। अगर मैं बोलूं कि किसी दो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल है तो हम उस दो मैट्रिक्स को इक्वल नहीं बोलेंगे, इन जनरल हो भी सकता है बट इन जनरल इक्वल नहीं होता है, बट अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो उसका डिटर्मिनेंट 100% इक्वल होगा, इस बात को ध्यान में रखो। तो ये वाला जो चीज़ है ना इसको इम्प्लाई कर रहा है सेकेंड स्टेप को, बट ये सेकेंड स्टेप फर्स्ट स्टेप को इम्प्लाई नहीं कर रहा। तो ये हो गया। अब फिर एक बात तुम यहाँ देखो, हमने क्या बोला, के इन टू ए, सॉरी दिस इज डिटर्मिनेंट, इसको मैंने क्या बोला, के पर पावर क्या आएगा,
ए मैट्रिक्स का ऑर्डर इनटू डिटर्मिनेंट ए, ये प्रॉपर्टी मैंने याद रखने के लिए बोला है और डिटर्मिनेंट में हम इसको प्रूफ करेंगे। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ये माइनस ये ए ट्रांसपोज तो एक मैट्रिक्स है, ये माइनस वन लिखा हुआ है तो माइनस वन पर पावर क्या आ जाएगा एन, अगर ए का ऑर्डर एन है तो, और यहां क्या आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, क्लियर है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब बताओ ये जो एन है ये ऑड है ना, ऑड है ये नंबर, तो किसी माइनस वन पे पावर अगर तुम ऑड लोगे तो वो तो माइनस आएगा, तो माइनस और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है ये भी बता रखा है। तो यहां से हमें क्या पता चल गया टू इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से हमें क्या पता चला डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, ये हमने इन जनरल प्रूफ कर दिया। तो इसका क्या मतलब है कि अगर दुनिया में कोई भी मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर ऑड है तो उसका डिटर्मिनेंट 100% जीरो होगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। यही बात यहाँ प्रूफ किया हुआ है, देख लेना। अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट है इस फर्स्ट पॉइंट में, इस नोट में क्या बोल रहा है, वी कैन नॉट कमेंट अबाउट द डिटर्मिनेंट ऑफ एन इवन ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट कैन बी जीरो और कैन नॉट बी जीरो। यहां पे क्या बोला कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर का तो उसका डिटरमिनेंट जीरो होगा, बट अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इवन ऑर्डर का जैसे टू ऑर्डर का फोर ऑर्डर का सिक्स ऑर्डर का तो हम उसके डिटरमिनेंट वैल्यू पे कमेंट नहीं करेंगे, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो भी हो सकता है नॉन जीरो भी हो सकता है, ये बात समझ में आनी चाहिए।